12th RBSE, exercise number 8.5, question first का D part है, जिसमें function fx equals to x cube minus 5x4 plus 5x cube minus 1, ये हमारे को given function है. अब इसका maximum और minimum values की find करनी है, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान इसका ज्ञात करना है. सबसे पहले हम इसका differential कर लेते हैं, f dash x equals to, तो हमारे पास हो जाएगा इसका 5x की पावर 4, यहां हो जाएगा 20x क्यूब, जो 4 आगे आ जाएगा, यहां 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर और माइनस 1, 1 का 0 हो जाएगा. अब आप इसमें एक बार और डिफरेंशियल कर दो, आप इसमें यहां अलग से f डबल डैश x 4 आगे आ जाएगा, ये x वर्ग n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आ जाएगा 20x क्यूब, यहां पर x इक्वल 3 है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशियल इसका, तो माइनस 20 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 60x स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x होता है तो 2 अगर इस 15 को मल्टीप्लाई करेगा तो 30x हो जाएगा ये नंबर. अब हमारे को पॉइंट पता करना है जहां पर की मैक्सिमम और मिनिमा डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैक्सिमा और मिनिमा put f dash x equals to 0. First derivative को 0 के equal रखते हैं. 5x cube minus 20x cube plus 15x square equals to 0. इसमें 5x square common आ रहा है. यहाँ x square बच जाएगा minus 4x and plus 3 is equals to 0. इसको factorize कर देंगे. 5x square middle term split करो. तो ऐड करने से माइनस 4 और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 3, सोचो देखें 3 बाय 3 माइनस का 3x माइनस का x और ये प्लस का 3 इक्वल्स टू 0. 5x स्क्वायर, यहां x कॉमन ले लें, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 0. 5x स्क्वायर, यहां पर x माइनस 3 कॉमन आ गया और x माइनस 1 बच गया. अब x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू जिससे 0 बन रहा है, अगर इसको 0 के इक्वल लिखेंगे ना तो यहाँ x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको लिखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसको लिखेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा. अब हमारे पास तीन पॉइंट है जहां पर मेरे को डिस्कस करना है. डिस्कस करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव यूज करते हैं. सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 पे बात करूंगा. f डबल डैश 0 की वैल्यू यहाँ 0 रखें, यहां भी 0 और ये भी 0, पूरा 0 आ रहा है, तो 0 आने पर डिसाइड नहीं हो पाता है, इसलिए अपन एक बार और डिफरेंशियल करेंगे इसका. डबल डैश ऑलरेडी है, एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो x³ मतलब 3, x³ के पास 3x² होता है, 3 आगे आएगा तो 20 ऑलरेडी है, 60x², x² का 2x हो जाएगा, 60 ऑलरेडी है तो माइनस का 120x, x का 1 हो जाएगा, ये 30. अब यहां पर 0 को इस पॉइंट को रख के देखते हैं, इसमें 0 माइनस 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 30 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 मिला है. जब f ट्रिपल डैश एट द पॉइंट 0 मेरे को नॉट इक्वल टू 0 मिला है तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर यहां पर है ना, ये आएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट डिस्कस हो सकता है, मतलब यानी कि जो गिवन फंक्शन है उसकी x इक्वल टू 0 पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना मिनिमम वैल्यू होगी, यहां डिस्कशन नहीं हो सकता. तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू 1 के ऊपर बात करते हैं. तो f डबल डैश करना वैल्यू हमेशा यहां पर, तो ये f डबल डैश एट दी पॉइंट 1 कितना होगा, ये 20 है, 1 की पावर 3 माइनस जहां भी x है वहां 1 लिख दिया है प्लस 30 और ये फाइनल कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 20 माइनस 60 प्लस 30 ये 50 और माइनस 60 यानी माइनस का 10, इसका मतलब लेस देन 0 आ गया, यानी कि वैल्यू 0 से कम आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, therefore given function fx has negative and maximum, उच्चिष्ट. maximum का मतलब क्या है, उच्चिष्ट.
हैज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू वन, यानी अगर डिसाइड हो गया है कि वन के ऊपर इसका मान कितना होगा, उच्चिष्ट होगा, अधिकतम होगा, तो अब उच्चिष्ट की वैल्यू फाइंड करनी है ना। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, योर फंक्शन को यूज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो गिवन फंक्शन के अंदर किस पॉइंट पर हुआ, वन के ऊपर बात हुई ना, तो इस वन को वन को वन की पावर फाइव वन, ये वन ना भी वन और माइनस वन, वन और माइनस वन को कैंसिल, और फाइव और ये माइनस फाइव ये दोनों कैंसिल, क्या आ जाएगा इसी को, ये इसका क्या होगा उच्चिष्ट मान यानी अधिकतम मान होगा इसका ना। इसको आप कॉपी करो पहले। अब हमें एक्स इक्वल टू थ्री इस पे चेक करना है, पहले जीरो पे चेक कर लिया, यहां पर तो ना तो मैक्सिमम नॉन मिनिमम मिला, ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ट, यहां पर मुझे क्या मिल गया, उच्चिष्ट मान उसका मान कितना है जीरो। अब मुझे सर थ्री पे चेक करना है, उसके लिए चेक पता लगाने के लिए किसको यूज करते हैं, डबल डैश को, मिसाल अगर डबल डैश एक्स है 20x³ - 60x² + 30x, थ्री पे चेक करना है, तो लेफ्ट डबल डैश थ्री, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, 3³ - 60, 3² + 30 और ये कितना हो गया 27 है ना, 3 * 9 = 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखें 27 का 54 और एक नीचे 0, 5 माइनस यहां से 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 को 6 से करो 54 और ये हमारे पास में कितना है 0 प्लस ये 9, 5 45 40 कैंसिल, यहां से क्या मिला मेरे को 90, मतलब ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा। Therefore, f x has पर्सुएड मिनिमा, मिनिमा का मतलब क्या है निम्निष्ट, एट एक्स इक्वल्स टू थ्री। अब हमारे निम्निष्ट यानी मान ज्ञात करना है, निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन एफ एक्स को यूज करो, यानी कि मिनिमम वैल्यू निम्निष्ट मान फंक्शन एफ एक्स एक्स की पावर 5 - 5 x^4 + 5 और ये x^3 एंड माइनस वैल्यू कितनी, किस पॉइंट पे बात हुई है 3 पे, f3 = 3^5 - 5 3^4 + 5 3^3 एंड -1। उसका ध्यान उठा इतना शुरू होगा माइनस वन, 3^3 कितना होता है 27 ना, ये हो जाएगा 5 × 27, ये मेरे पास 5 ऑलरेडी है, यहां पर देखो 27 तो 3^3 हो गया, तो 3^4 के लिए 1 और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 81, ठीक है ना। अब यहां देखो 3^5 तो देखो इसको 3 से वापस मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 × 2 = 43, और पहले से अगर याद है वैल्यूज तो अच्छी बात है। अब थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, 243 - 5 और ये हो जाएगा 4405, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 एंड माइनस वन। अब प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, ये दोनों प्लस वाले ना, 3 और 5 कितना हो गया 8, ये 3 और 4 = 7 और ये हो जाएगा 3 एंड माइनस का 405 और माइनस वन 406 माइनस का बचेगा ना, तो माइनस का कितना बचा देखो ये 22 और 6 = 28, ये माइनस का 28, ये इसकी क्या होगी निम्निष्ट मान होगी, मिनिमम वैल्यू होगी ये इसका आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली ध्यान रखें, कैलकुलेशन के अंदर पावर काफी बड़ी बड़ी है, तो वैल्यूज का पूरा ध्यान रखते हुए करेंगे। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और खूब प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।